चलिए अब राजगढ़ से सीधे रुख करेंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का, जो संबोधित कर रहे हैं। जो हल्ला करेगा वो लोग का भी ट्रीटमेंट कर दूंगा, तो कोई हल्ला नहीं होगा। कुछ हल्ला नहीं हुआ। देश में ऐसे ही बोला था कि आर्टिकल 370 अगर आप समाप्त कर देगा देश में हल्ला हो जाएगा। कांग्रेस लोग बोलते रहा, अमित शाह जी ने 370 धारा का विलुप्ति कर दिया। कोई हल्ला हुआ क्या देश में? कोई हल्ला हुआ क्या? बोले नहीं नहीं राम मंदिर बनने से हल्ला हो जाएगा। मोदी जी 22 जनवरी राम मंदिर बनाएगा, राम मंदिर का उद्घाटन करेगा, प्राण प्रतिष्ठा करेगा। कोई हल्ला हुआ क्या देश में? जब जब हम लोग स्ट्रांग बन के बैठता हूं ना, तो हल्ला करने वाला भी गाट का नीचे पड़ जाता है। उन लोगों भी गाट का ऊपर आने का हिम्मत नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस हमें डरवाता है, ये इधर मत करो हल्ला हो जाएगा, उधर मत करो हल्ला हो जाएगा। अरे मोदी जी जाके पाकिस्तान में बम फेंक के आया, कुछ हल्ला नहीं हुआ, पाकिस्तान ठंडा हो गया। भाई और बहनों, वो हमारा शक्ति है, हमारा विकास भी हमारा शक्ति है, और भारत माँ का संरक्षण भी हमारा शक्ति है। और दोनों काम आज हम एक साथ करके आगे बढ़ रहा हूं। आज मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बना, काशी में कॉरिडोर का काम हुआ, माँ विंध्यवासिनी में कॉरिडोर बन रहा है, नेशनल हाईवे भी बन रहा है, और काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर भी बन रहा है। आज मध्य प्रदेश में खेती का पथार में खेत में पानी का व्यवस्था हो रहा है, और साथ साथ में महाकाल में कॉरिडोर भी बन रहा है। आज मध्य प्रदेश में सेलेन का हाईवे भी बन रहा है, और ओंकारेश्वर मंदिर का साथ में आदि शंकराचार्य का प्रतिमा भी बन रहा है। भाई और बहनों, हमें विकास भी चाहिए और हमें भारत माँ भी चाहिए। हमें आप विकास दे दो, लेकिन भारत माँ दुखी है, वो विकास हमें नहीं चाहिए। और हमें विकास बिना भारत माँ का हम उन्नति भी नहीं कर सकता हूँ, वो भी हमें जानता हूँ। इसीलिए हमें विकास भी चाहिए और भारत माँ को विश्व गुरु भी हमें बनाना है, यही नया भारत का संकल्प है। भाई और बहनों, आज हमारा देश सर्व लोक तक पहुंच गया है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका का सारे संसद खड़ा होके मोदी जी को अभिनंदन करता है, हम सारा भारतवासी भारत में गर्वित महसूस करता हूं। ये हमारा नया भारत है। G20 का शिखर सम्मेलन भी भारत में होता है, और वही भारत में कृषकों का बैंक अकाउंट में भी 6,000 रुपया जाते हैं। हम विकास भी कर रहा हूं और भारत माँ को भी विश्व गुरु बनाने का दिशा में भी हम लेकर जा रहा हूं। भाई और बहनों, ये इटाली से आए वाला लोग ये भारत माँ का कल्पना नहीं कर सकता है। ये भारत माँ का कल्पना केवल मात्र एक चाय वाला ही कर सकता है, जो भारत का मिट्टी से बड़ा हुआ। भाई और बहनों, आज हमें सिद्धांत लेना है। आज आपने देखा होगा शिवराज चौहान जी ने कितना काम किया है। मैं 4 महीना पहले भोपाल आया था, मुझको शिवराज चौहान जी ने बताया कि मैंने लाडली बहना योजना को शुरू किया हूं, महिलाओं को 1,000 रुपया मिल रहा है, बैंक अकाउंट में 1,250 में लेके जाऊंगा, और मेरा कार्यकाल में ही मैं 3,000 रुपया तक लाडली बहना का अकाउंट में पैसा डालूंगा। मैंने गुवाहाटी किया, मैं भी तुरंत लाडली बहना स्कीम का शुरुआत कर दिया। अभी आसाम का माताओं को भी 1,250 रुपया बैंक अकाउंट में मिलते हैं, और माताओं लोग बहुत खुश होता है। मैं शिवराज जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये बड़ा काम शुरू किया, और आसाम में हमने कॉपी किया हो।
अभी पूरा बीजेपी शासित प्रदेश में ये लाडली बहना स्कीम शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ का इलेक्शन मैनिफेस्टो ने भी हमने बोल दिया है कि माताओं का बैंक अकाउंट में हर महीना 1000 रुपया का ट्रांसफर किया जाएगा। आज आप सोच सकते हैं मध्य प्रदेश आज देश को दिशा दिखा रहा है। जब मैं भोपाल आया तब शिवराज जी ने मुझको बताया कि मैंने तो बहुत मेडिकल कॉलेज खोल दिया हूं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा को सीट नहीं।